बहुत ही सुंदर विषय है कायोत्सर्ग। भाई और बहनों, प्रेक्षा ध्यान पद्धति का पहला चरण कायोत्सर्ग है। प्रेक्षा ध्यान का अर्थ होता है, प्रेक्षा का मतलब देखना, ध्यान का मतलब गहराई में जाकर के और देखना कैसे राग द्वेष मुक्त होकर गहराई में जाकर देखना प्रेक्षा ध्यान है। चाहे आप बंद आंख से देखो, चाहे खुली आंख से देखो, जो भी चिंतन चल रहा है आपके मस्तिष्क के अंदर, क्योंकि हर क्षण व्यक्ति चिंतन करता रहता है, उस चिंतन के साथ में राग द्वेष नहीं जोड़ना चाहिए। राग द्वेष एक बुराई है, राग द्वेष कर्म रज है, राग द्वेष कषाय है, राग द्वेष दुख का कारण है, राग द्वेष अज्ञान है। ये अज्ञान की वेल्डिंग को तोड़ना, अगर हम राग द्वेष विजेता बन जाते हैं तो वह समय दूर नहीं है कि हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए। तो हमारा सारा फोकस, सारा हमारा कहना चाहिए एकाग्रता, वो राग द्वेष मुक्त होकर देखने पर है। तो उस राग द्वेष मुक्त होकर देखने के लिए हमें अपने शरीर को जो है शिथिल करना पड़ेगा। शरीर की शिथिलता के लिए कायोत्सर्ग किया जाता है। कायोत्सर्ग होता है काया का उत्सर्ग, यानी शरीर रहते हुए भी शरीर का भान होना, ये बहुत बड़ी बात है। इसको विदेह भी कहा जाता है। राजा जनक विदेह थे कि राजा जनक शरीर में रहते हुए भी शरीर की उसको अनुभूति नहीं थी, वो तो हर क्षण जो है रियल पुरुषार्थ में रहते थे, दृष्टि विज्ञान में रहते थे और भीतर विराजमान प्रभु के संपर्क में रहते थे और ये चिंतन करते रहते कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, और ये जो मेरा चल रहा है, जो दुनियादारी का काम चल रहा है, मन वचन काया की जो भी गतिविधि चल रही है, ये मेरा प्रारब्ध है, ये उदय है जो मैं पीछे से लेकर के आया हूँ, और इसमें परिवर्तन करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, परिवर्तन होता भी नहीं है। आप कोशिश करके परिवर्तन करना चाहोगे और आप बोलोगे कि मैंने पुरुषार्थ किया, तो वास्तव के अंदर पुरुषार्थ है ही नहीं है, वह तो अपने आप होने वाली बात है। लोग इसको रिलेटिव पुरुषार्थ भी, मन वचन काया कि वो रिलेटिव पुरुषार्थ भी मानते हैं, पर वो रियल पुरुषार्थ नहीं है। चाहे हमारे मन वचन काया है, ये अवस्था मात्र है और इसको इसको कोई भी रचना करने वाला नहीं है और ये संयोग के अधीन है। ये अवस्था है वो पराधीन होती है, इसीलिए सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग, स्थूल संयोग सब पर है, पराधीन है। यह ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, कोई दखो दखल करूं नहीं, इसका मतलब जो संयोग चल रहे हैं उसमें मुझे दखल नहीं करनी है, उसको तो हमें भोगना है, उसको तो हमें इस रूप में स्वीकार करना है कि मेरी ध्वनि की प्रतिध्वनि है, मेरे ही द्वारा किया हुआ है, मेरा हिसाब है, तो ये मुझे क्लियर करना चाहिए। तो कायोत्सर्ग का अर्थ होता है काया का उत्सर्ग करना, काया की अनुभूति न होना, काया महसूस नहीं होनी और काया के साथ के अंदर हमारा श्वास भी जुड़ा हुआ है, तो श्वास भी शिथिल होना चाहिए, शरीर भी शिथिल होना चाहिए। दोनों के शिथिलीकरण होने से हम एकदम हल्के हो जाते हैं। एकदम हल्के का मतलब होता है हमको मेंटल पीस की प्राप्ति हो जाती है, हमको इमोशनल हेल्थ की प्राप्ति हो जाती है, हमारे क्रोध अहंकार माया लोभ पे भी काफ़ी अंकुश लग जाता है अगर हमारा कायोत्सर्ग और श्वास दोनों नियंत्रण में हो जाते हैं। तो ये सारा प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि हमारा सनातन सत्य है वो प्रयोग धर्मात्मक है, तो हम प्रयोग के माध्यम से जो है सच्चाई को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेट ट्रुथ को देखना है, हमें जीवन की जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसका पता लगाना होता है। तो अभी हम प्रयोग कर रहे हैं, तो आप प्रयोग कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान की मुद्रा। अब आपका जो चित्त है, चित्त कहिए, मन कहिए, विचार कहिए, उसको पूरे शरीर में घुमाइए और शरीर का सबसे निचला भाव है उसको शिथिल कीजिए।
जो दाएं पैर का अंगूठा, पंजा, एड़ी, पैर, घुटना, साथल, इस भाग को ऑटो सजेशन दीजिए। आप सजेशन दीजिए कि मेरे शरीर का निचला हिस्सा शांत हो जाए, शिथिल हो जावे। ऑटो सजेशन देने के बाद के अंदर अनुभव कीजिए, मेरे शरीर का निचला भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। अब हम बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, पैर, घुटना, साथल, जो बाएं पैर का कमर का भाग, हम ये ऑटो सजेशन दें कि मेरा शरीर का निचला भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, शरीर का निचला हिस्सा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। शरीर का मध्य भाग, पेट, छाती, दोनों हाथ, हाथ के पंजे, अंगुलियां, कमर का पिछला भाग, शरीर का पूरा मध्य भाग, ऑटो सजेशन दीजिए, शरीर का मध्य भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, मध्यम शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब आपका ध्यान शरीर के ऊपरी भाग मस्तिष्क के ऊपर टिकाइए, गर्दन, ठोड़ी, दोनों आँखें, दोनों कान, नाक, दोनों नाक के दोनों हिस्से और ऊपर का शास्त्र सार ज्ञान केंद्र। शरीर का सबसे ऊपरी भाग स्पर्श कीजिए और ऑटो सजेशन दीजिए, शरीर का ऊपरी भाग शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए, शरीर का ऊपरी भाग शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है, कायोत्सर्ग हो गया है। अब हम थोड़ा श्वास परीक्षा करेंगे कि जो हमारा श्वास बाहर की ओर जा रहा है, भीतर की जा रहा है, दोनों नथुनों के बीच में बैठ करके, और जो आते जाते श्वास को देखो, श्वास को लंबा करो, गहरा करो, लंबा सांस। जब हम लंबा सांस लें तो पेट फूलना चाहिए और जब सांस छोड़े तो पेट सिकुड़ना चाहिए, ये प्रकृति का नियम है।